अगर हमें इतना प्रॉफिट चाहिए तो हम कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करें। जो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड में, वो सिर्फ इसी बात का है कि हम ये सोच कर चलते हैं कि अगर हमको इतना प्रॉफिट चाहिए तो कितनी कैपिटल लगाएं। सो दिस इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। एंड कैपिटलाइजेशन मेथड हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं हमारे दो मेथड से, दैट इज योर, या तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के थ्रू निकाल सकते हो गुडविल यहाँ पर, एंड या फिर आप निकाल सकते हो सुपर प्रॉफिट्स के थ्रू। सो स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स के थ्रू कैसे कैलकुलेट होती है, एंड देन वी विल कम टू सुपर प्रॉफिट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि क्या एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला कहाँ से बना? अगर जब तक हम क्या कर रहे थे, जब तक हम प्रॉफिट निकाल रहे थे तो थ्रू कैपिटल, अब हम कैपिटल निकाल रहे हैं थ्रू प्रॉफिट, तो 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न जाना बनता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का नीचे जाना बनता है। जब तक हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे थे तब तक हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दिया, बट अब जब हम प्रॉफिट से कैपिटल तक जाने वाले हैं तो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट एसेट्स, जो भी हमारे एसेट्स हैं एंड में वो कितने हैं, और हमने जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है कैपिटल की वो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर होती है इतनी बार? सो चलो क्वेश्चन पर आएंगे। बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। हमारे तीनों मेथड्स गुडविल के बहुत इजी थे, बस फॉर्मूलाज को हमें समझना है, याद भी नहीं करने की नीड पड़ ली क्योंकि फॉर्मूलाज तो बहुत इजी है। चलो जी आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सो देखो जी क्वेश्चन में हमें क्या क्या प्रोवाइड है, एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एसेट्स, लायबिलिटीज। हमें क्या चाहिए? गुडविल चाहिए। ठीक है जी, गुडविल के लिए क्या चाहिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब वो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, सो दैट इज 72,000 इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। कितना रेट ऑफ रिटर्न है? 10। ये हमारा निकल कर आ जाएगा, दिस इज योर, दिस बिकम्स आवर 7,20,000। ठीक है ना, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, जो भी अभी हमने देखा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ऐसे एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिख कर आना है, पूरी बात लिख कर आनी है, माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, अब नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, जल्दी से क्वेश्चन में देख कर बताओ। नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कोई भी डाउट नहीं है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कितना निकल कर आ रहा है, दैट इज योर 5,70,000। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, 5,70,000 आ जाएगा। सो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 1,50,000। इजी था, बहुत इजी कैलकुलेशन था कैपिटलाइजेशन मेथड में ऑफ गुडविल। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ आ गई कि एवरेज प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट करना है इन कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर। अब इसके देखो स्टेप्स क्या रहे हमारे पास, एक बार स्टेप्स देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेप क्या रहे। सबसे पहले तो हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल ली। ठीक है, देन हमने क्या किया, नेट एसेट्स फाइंड आउट कर ली। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इजी सा काम था, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, एंड ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, अब देखो अगर सुपर प्रॉफिट दिया गया हो और हमें कहा गया हो कि सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैपिटलाइज
मेथड के थ्रू निकालो वैल्यू, तो कैसे करना है, तब हमारे पास फॉर्मूला रहेगा दैट गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये बात हमें क्लियर हो रही है कि 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल तक पहुंच रहे हैं थ्रू प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो कि हमें आता है, वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। अगर किसी को भी डाउट है सुपर प्रॉफिट मेथड में सो जाकर लास्ट वीडियो चेकआउट करो, उसमें हमने बहुत अच्छे से सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट किया था। सो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है। सो देखो जी, सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, इतनी बात हमें पता है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, दूसरा हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया, क्वेश्चन में हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो कम्प्लीटली दिया है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड बता देना मुझे कितनी आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, नेट एसेट्स हमारे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये हमारा 5,70,000 आ जाएगा, 5,70,000 इजीली आ रहा है। चलो ठीक है, ये बात भी हमें क्लियर होती है। अब हमें चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, पता चल चुका है हमें नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालने वाले हैं थ्रू रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल कर आ जाता है कितना, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है हमारा 10% करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का 57,000। इजीली हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता चल गया। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 15,000। 15,000 आ गई, सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया। अब क्या करना है, लास्टली गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड में। सो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 15,000, दैट इज इनटू 100 अपॉन 10। सो हमारी जो गुडविल है वो निकल कर आ जाएगी कितनी, 1,50,000। अच्छे से क्लियर हुआ, अभी तो हमें क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, क्योंकि जब बाद में लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो उनके बीच में ये कैलकुलेशन होंगी। सो इसीलिए अभी से ही ध्यान से समझ कर चलो, ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो। सो कैपिटलाइजेशन मेथड आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, कोई भी डाउट आपको रह जाता है कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। लास्टली लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीए ग्रुप्स ताकि आप स्टडीज को कर सके एंजॉय, एंड आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, क्विजेस, असाइनमेंट, एंड आपका चैप्टर वाइज सिलेबस भी अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं, एंड आपके लिए किए जाते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो लर्न करो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। और आपका कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो एंड होता है यहाँ पर, एंड वी विल डू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।